ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। सहारनपुर के थाना सदर बाजार पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाशों से मुठभेड़, मुठभेड़ में जवाबी फायरिंग में 25,000 का इनामी बदमाश घायल, मौके से मोटरसाइकिल, अवैध असलाह बरामद। सहारनपुर पुलिस और बदमाशों के बीच एक बार फिर मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाश का एक अन्य साथी भागने में कामयाब रहा। आपको बता दें कि एसएसपी के आदेशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के दौरान थाना सदर बाजार पुलिस देर रात गांव छिदबना के पास चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान बाइक पर सवार दो बदमाश सामने से आते दिखाई दिए, जिनको पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया। जवाबी फायरिंग में पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई तो एक बदमाश अंकुर पुत्र मोहर सिंह निवासी अनंतमु थाना ननौता सहारनपुर गोली लगने से घायल हो गया, जबकि बदमाश का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है और बदमाश के पास से एक मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। साथ ही फरार अभियुक्त की तलाश की जा रही है। एसएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना सदर बाजार पुलिस ने एक सफलता प्राप्त की है। देर रात वांछित चल रहे 25,000 का इनामी अंकुर को गिरफ्तार किया है। देर रात्रि डीपीएस स्कूल के पास कुछ बदमाशों को रोका गया, जिसमें एक व्यक्ति ने पुलिस पर फायर किया, दूसरे व्यक्ति ने मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग गया। इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अंकुर नाम के बदमाश के पीछे काफ़ी दिन से पुलिस लगी हुई थी। सरसावा में एक घर में डकैती डालने की कोशिश भी किया, जिसमें इनके साथी पकड़े गए थे। उसी दिन इनके ऊपर 25,000 की इनाम घोषित कर लिया गया था। इनके पीछे काफ़ी दिन से पुलिस टीम लगी हुई थी। पताग्रसी सुरागरसी के तहत वो सूचना मिली है कि एक रास्ते से अंकुर और उसके साथी जो है किसी क्राइम करने के प्लान के साथ आ रहे हैं, तो वहीं पर रोका गया उनको चेकिंग करके, तो उस समय पुलिस के ऊपर फायरिंग किया है। और जब पुलिस के जवाबी फायरिंग में उनके पैर में गोली लगी है और उनको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है, वो सेफ है अभी फ़िलहाल। दूसरे साथी भाग निकल गया है, उनका भी अभी पता कर रहे हैं हम लोग। सर बदमाश पे इनाम भी रखा गया था, 25,000 का इनाम था, क्योंकि कुछ दिन पहले सरसावा में इनके साथी एक एहसान उर्फ गोड़ा के साथ मिलके और दो तीन लोग मिलके एक घर में डकैती डालने की प्रयास किया, मौके पर एहसान उर्फ गोड़ा पकड़ा गया है। उससे पूछताछ के बाद सब लोगों का नाम पता चला, तभी से उनको 25,000 की इनाम घोषित कर लिया गया था। ठीक है।